तो ये यमी सी सब्जी है, अरबी की सब्जी बनाने में उतनी ही मुश्किल। ये ली मैंने, लगभग आधा किलो अरबी है मेरे पास, जिसे घुइयां भी कहते हैं। मैं एलर्जिक हूँ तो मैंने हाथों पे लिए हैं ग्लव्स, क्योंकि ये बहुत रैशेस कर देती है। आप ऑयल लगाइए हाथों पे, फिर आप ग्लव्स पहनिए, पील करिए इसको बहुत अच्छे से, तो ये बहुत अच्छी बनती है। आप मेरे वाले तरीके से ज़रूर बना के देखिए। हर एक के घर का सब्ज़ी बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैंने ये देखिए, इतने में बातें करते करते हो गई है पील, तो आप भी इतने में बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और मज़ेदार सी रेसिपीज़ रोज़ पाइए। तो इस तरह से मैंने कर लिया पील, अब इसको कर लेंगे कटिंग। आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, आप गोल भी काट सकते हो, मैं लंबी काटती हूँ, तो ये मैंने सारी कर ली है कटिंग। इसके बाद टिप है एक कि मैं इसको सॉल्ट लगा देती हूँ, ताकि इसका जो जेल सा होता है ना, बहुत इचिंग वाला जो होता है, वो निकल जाता है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से रगड़ के नमक, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के अच्छे से इसको रगड़ के वॉश करके, टैप के नीचे ही वॉश कर देती हूँ प्रॉपरली, इसको छलनी लगा के। तो उसके बाद इसको अच्छे से सुखा लेते हैं। तो ये देखिए, इसका जो जेल टाइप सा होता है वो निकल जाता है, और इसको मैंने किसी भी पोने वगैरह पे इसको डाल लिए सूखना। आप टॉवल पे डाल के इसको अच्छे से सुखा लीजिए, और अब ये फ्राइंग के लिए तैयार है। उधर मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल में ही फ्राई करती हूँ मैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, तेल हमारा हो गया है गरम, तो मैंने डाली अरबी उसमें। तो अरबी को अच्छे से, अगर आपकी विश है, आप सॉफ्ट होने तक इसको तलना चाहते हो या क्रंच करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं नॉर्मल से ही रखती हूँ। उधर मैं बना रही हूँ तड़का, तो तड़के के लिए ही भी मैंने फिर लिया है ऑयल, और मैंने हींग ज़रूर डालते हैं इसमें, ये थोड़ी सी हज़म होने में प्रॉब्लम करती है, तो हींग ज़रूर डालिए। तो मैं अब डालूँगी जीरा इसमें, जीरे का आधा चम्मच डाला है। तो ये गर्म हो चुका है, तिड़कने लग गया है मेरा जीरा। अभी मैं इसमें डालूँगी प्याज और हरी मिर्च और लहसुन का जो पीस मैंने चॉप करा हुआ है बारीक, ये मैं इकट्ठा ही डाल देती होती हूँ। इसको अच्छे से भून लेंगे हम। बहुत ही अच्छी बनती है, इस स्टाइल से ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये देखिए, अब मैं डालूँगी इसमें नमक, नमक क्योंकि वो वाला सारा निकल गया था, मिर्ची डाल रही हूँ, और साथ में डालेंगे हम हल्दी और गरम मसाला और धनिया पाउडर, जो भी आप डालते हैं सब्जियों के अकॉर्डिंग। साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें मेथी, मैं मेथी हर चीज़ में ज़रूर डालती हूँ, और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देती है। अच्छे से हिलाइए, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड, फिर मैंने टमाटर एक टमाटर की प्यूरी ली हुई है तो वो डाली। तो थोड़ा सा जब ये भुन जाएगा, घी छोड़ देगा, तो मैं इसको पानी डाल देती हूँ, ताकि जो सब्ज़ी है ना, सूखी सब्ज़ी, उसके ऊपर अच्छे से जो हमारी ग्रेवी है वो चढ़ जाती है। नमक मिर्ची नहीं तो कोट नहीं होता। ये देखिए, पानी डाल लिया है। उधर हमारी अरबी भी ऑलमोस्ट हो गई है फ्राई। इसको हम निकाल लेंगे अरबी को, और टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए, या अखबार किसी भी नैपकिन पे इसको देखिए, हम मैंने दबा के देख लिया है, ये पक चुकी है। तो आप चाहो तो इसको क्रंची भी थोड़ी सी कर सकते हो, पर मैं थोड़ी सी नॉर्मल सी निकालती हूँ इसको। ये देखिए, ये डाली इसमें, तो बस एक विसल लगवा दूंगी मैं इसको, ताकि अच्छे से जो मसाला है वो कोट हो सके। हल्की सी थोड़ी सी ग्रेवी वाली रखते हैं, ये बहुत अच्छी एक ग्रेवी वाली भी बनती है, वो भी रेसिपी मैं किसी दिन डालूंगी। ये देखिए, बिल्कुल सूख गई है। अब एक और ट्विस्ट इसमें निचोड़ देंगे, आधा नींबू, ताकि ये डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये लीजिए, तैयार है चपाती के साथ, तवे वाली या तंदूरी रोटी के साथ। लस्सी लीजिए, नींबू निचोड़िए, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।